मेरा नाम कोमल सिजाद है और मैं नेशनल लेवल पे हॉकी खेल रही हूँ और मैंने आर्मी डिपार्टमेंट के कैंप लिए हैं। अच्छा, इस सोसाइटी में एक लड़की हो के हॉकी खेलना इस लेवल पे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि सोसाइटी वाले कुछ बातें भी करते हैं ऊपर। लड़की होने के नाते इस सोसाइटी में हॉकी खेलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब जब आप बाहर घर से बाहर निकलते हैं लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी आपको खेलता हुआ नहीं देख सकते। तो इसमें पेरेंट्स कितने सपोर्टिव होना चाहिए पेरेंट्स के लिए, और जो फैमिली सपोर्ट कितनी लाजमी है? जब तक आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, आप कभी भी स्पोर्ट्स में या हॉकी में नहीं आ सकते। आपके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाकिस्तान में वुमेन हॉकी को आप कहाँ देख रही हैं, और पाकिस्तान में वुमेन हॉकी की क्या फ्यूचर है, आपकी अपने क्या प्लान्स हैं? अभी तो वुमेन हॉकी जहाँ हमारी खड़ी है उसका बहुत ही बुरा हाल है। इसको मैं गुजारिश करूँगी अपनी हुकूमत से कि इसको थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश करें, जहाँ जैसे PSL खेली जाती है इस तरह इसके लीग करवाई जाए, ताकि हॉकी को हमारा अपग्रेड मिले, यानी कि हम इसको अच्छा कर सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉकी का हमारा क्या हाल है। बॉयज़ का तो चले कुछ ना कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल यहाँ पे। लड़कियों के तो ना होने के बराबर इवेंट है। तो आपके अपने क्या फ्यूचर प्लान्स है आगे, आपने नेशनल खेलें, क्योंकि नेशनल गेम्स आ रहे हैं, आपके उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नेशनल गेम्स आ रहे हैं और हम बड़े पुरजोश हैं नेशनल गेम खेलने के लिए, ताकि अभी हम तैयारी शुरू करें। अभी तो आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सर हमें बता रहे थे कि फ्लड लाइट मैचेस होने हैं, वो आप हम खेलेंगे ताकि हमारी गेम इम्प्रूव हो और नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का हौसला हो हमें। इसमें एज अ प्लेयर को फाइनेंशियली कितना सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा अगर फाइनेंशियली वीक होता है वो आगे नहीं जा सकता। आप इस चीज़ पे बिलीव रखती हैं, और आप अपने जो फाइनेंशियल कैसे पूरा करते हैं, स्पॉन्सर्ड वगैरह? आप सही कह रहे हैं कि फाइनेंस तौर पे हमें मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जब तक आपका जज्बा और जुनून होगा तो यानी कि पैसे तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जब तक आपके अंदर जोश और जज्बा नहीं होगा तो आप स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकते। जो लड़कियाँ हमें इस प्लेटफॉर्म से देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम जो हॉकी खेलना चाहती हैं प्रोफेशनली? मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी कि आप आएँ स्पोर्ट्स की तरफ, बिलखसूस हॉकी की तरफ, क्योंकि हमारे हॉकी को बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स यानी कि प्लेयर्स की। तो आप पार्टिसिपेट करें हॉकी में और अच्छे परफॉर्म करें और नेशनल लेवल और पाकिस्तान लेवल पर खेलें, ताकि नाम पाकिस्तान का रोशन हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।